हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज दिन है मंगलवार, तो अभी मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ अपने घर का मंदिर, क्योंकि मंदिर भी घर का साफ़ होना ज़रूरी है। थोड़ा मंदिर मेरा बिखरा बिखरा सा हो गया था, तो मैं ऐसे कर नहीं पा रही थी, तो आज मुझे थोड़ा समय मिला, तो मैंने अपने इस टाइम को अच्छे यूज के लिए मैंने इस मंदिर को ही साफ़ करना उचित समझा, तो मैं कर रही हूँ। तो मंदिर में साइड करके अपने उसके अगल बगल का सारा वॉल वगैरह भी अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी, और बस इसके बाद मंदिर वहाँ वापस से उसी जगह पर रख कर मुझे सारे विग्रह के वस्त्र वगैरह भी चेंज करने हैं। कुछ डिब्बे वगैरह हैं, उन्हें भी मैं साफ करूंगी। तो बस ये काम मुझे फटाफट से मतलब पूरा करना है। तो इसके बाद मैं बनाने चलूंगी नाश्ता। तो आज छुट्टी है, तो फिर आज मैंने रोटी सब्जी या और कुछ ऐसा नहीं कुछ बनाया, तो आज मैंने बनाया है रवा इडली पेपर डोसा, सॉरी रवा पेपर डोसा। तो बस ये देखिए, मेरा मंदिर का काम तकरीबन हो चुका है, तो मतलब हो ही चला है। अब थोड़ा बहुत मैं सारे विग्रह वगैरह रख के फिर भगवान जी के पास थोड़ा सा धूप दिखा दूंगी, धूप बत्ती वगैरह, जैसे कि मंदिर मेरा सूना सूना ना लगे। तो बस ये देखिए, हमने ये धूप वगैरह जला दिया है, दीपक वगैरह फिर से। तो अब चलिए, अब मंदिर का काम मेरा पूरा हुआ, तो अब मैं चलती हूँ अपना नाश्ता तैयार करने के लिए। तो आइए देखते हैं नाश्ते की रेसिपी। तो यहाँ एक हमने लिया है गाजर, और ये 1 मिनट पहले हमने अपना रवा को पानी में सोख कर दिया है। और यहाँ मैं लूँगी 2 हरी मिर्ची और 1 छोटा प्याज, इन्हें मैं महीन चॉप कर लूँगी। और इसमें हम डालेंगे रवा में या अब नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें ज़्यादा सब वेजिटेबल या ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। और लास्ट में इसमें ऐड करना है हमें इनो। तो यहाँ हमने गाजर और प्याज वगैरह सारे चॉप कर लिए हैं। यहाँ गाजर हमें कद्दूकस करना है, तो वो भी हमने कर लिया। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ ऐड कर लूँगी, और इसका हमें बहुत मतलब पतला घोल बनाना है पानी जैसा ही, तभी मेरा पेपर अच्छे से बनेगा। और ये हमने डाला है हरा धनिया। तो फिर इन चीज़ों को अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हमें इसे मिक्स करना है, ज़रा सा भी प्रेशर नहीं देना है। तो इनो मिलाने के बाद लास्ट में इधर मेरा तवा भी गर्म हो गया है, तो बस इसके बाद हमें फटाफट से अपना डोसा बैटर तवे पर फैला देना है। तो ये देखिए, मेरा ये बैटर इतना पतला इतना होना चाहिए, इससे अधिक गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको पानी कम लगे तो आप लास्ट में पानी फिर भी ऐड कर सकती हैं थोड़ा बहुत, तो ये बिल्कुल इतना पतला हो। तो ये देखिए, मेरा रवा डोसा ऐसे बन के तैयार होगा। इसे हमें ऐसे ही फैलाना है, बस हल्के हाथों से हम दूर दूर से ही फटाफट से इसे फैला देंगे। 2 मिनट में जितना टाइम मेरा मैगी बनने का लगता है, उतना ही टाइम हमारा ये रवा पेपर डोसा बनने में को भी लगता है। फिर आप इसे चाहे जिसके साथ चटनी या अचार किसी से भी आप इसे खाइए, ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो इसी प्रकार से ये देखिए, हमारा ये पेपर बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए, हमारा ये डोसा बिल्कुल रेडी है। आइए आप भी इसे एंजॉय कीजिए और इसको टेस्ट करके बताइए कि हमारा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड, अब ज़्यादा देर न करते हुए आइए आप लोग भी टेस्ट कीजिए। तो ऐसे ही हम सारा अपना पेपर डोसा बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड, इससे ज़्यादा मतलब मैंने अभी नाश्ते में कुछ नहीं बनाया है, तो फिर चलिए मिलती हूँ फिर मैं अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए ओके बाय। लेकिन हाँ फ्रेंड, आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्योंकि आपका 1 लाइक सब्सक्राइब और शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस रेसिपी को भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये खाने में काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही हल्का होता है, जिसे भूख न भी लगा रहे उसे भी तेज़ भूख लग जाता है। तो बस हमारा ये पेपर डोसा बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड, मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।